इनकलाब वंदे। दिल्ली के कोने कोने से आए हुए इतनी भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी पदाधिकारियों को मैं नमस्कार करता हूं, सबको मेरा प्रणाम। बात शुरू करने के पहले वहां पे मैंने अभी देखा डीटीसी के कुछ पेंशन वाले खड़े हुए थे, जरा से खड़े हो जाओ आप लोग, मैंने अभी देखा आप अपना वो लहरा रहे थे। मैं आप सभी बुजुर्गों को, आपके बेटे के समान हूं मैं, आप सभी बुजुर्गों को मैं भरोसा, चिट्ठी की जरूरत ही नहीं है जी, मैं हूं ना, मेरे पे भरोसा रखो, चिट्ठी की जरूरत नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारी पहले दो मिनट में पेंशन वालों की बात पूरी कर लूं, फिर अपनी बात पे आएंगे। डीटीसी के जो पेंशन लेने वाले लोग हैं वो सब बुजुर्ग हैं, रिटायर्ड लोग हैं, उनको पेंशन मिलती है। हमारी सरकार बनने के पहले आप लोगों को पेंशन नहीं देते थे, ये लोग खूब तंग करते थे, कहते थे फंड बनाओ डीटीसी देगी, डीटीसी तो घाटे में चल रही है, कहां से पेंशन देगी। हमारी सरकार आने के बाद हमने तय किया कि दिल्ली सरकार डीटीसी को पैसा देगी और दिल्ली सरकार के पैसे से डीटीसी पेंशन देगी। और जब से हमारी सरकार बनी, ईमानदारी से बता देना, 2015 से आज तक आपको टाइम पे पेंशन मिल रही थी, पिछले एक साल से तकलीफ होनी शुरू हुई है कि नहीं है? पिछले एक साल से इन्होंने तकलीफ करनी चालू की है। पर अभी अभी मैंने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से भी बात करी, फाइनेंस मिनिस्टर से भी बात करी, इसके ऊपर मैं लगा हुआ हूं, थोड़े दिन और दे दो, आपकी पुरानी सारी 3 महीने की पेंशन बकाया है ना, ये 3 महीने की भी मिल जाएगी, आगे से टाइम पे दिलवाया करेंगे। आप जितने कार्यकर्ता आए हुए हैं, पदाधिकारी आए हुए हैं, सबसे पहले मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि आप सब लोग दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई पार्टी का हिस्सा हैं। देश नहीं दुनिया, पूरी दुनिया में आज तक कोई ऐसी पार्टी नहीं हुई जिसने इतनी तेजी से तरक्की करी हो, इतनी तेजी से तरक्की करी हो। मुझे लगता है हमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों से पूछना चाहिए, भाई जरा पता करके बताओ कोई, नहीं तो हमारा नाम लिख दो उसके अंदर। कल भी मैं कह रहा था, मैं अपने काउंसलर से कल रात को मिला था कि एक एमएलए बनने के लिए, एक काउंसलर बनने के लिए लोगों की जिंदगी बीत जाती है, चप्पलें घिस जाती है, जूते घिस जाते हैं कि नहीं है? एक एमएलए बनने के लिए, एक काउंसलर बनने के लिए। और ये एक पार्टी, छोटी सी पार्टी 10 साल पहले बनी थी, पहले दिल्ली में सरकार बन गई भारी बहुमत से, कांग्रेस की 0, बीजेपी की 3, आम आदमी पार्टी की 67 सीट, छोटी सी पार्टी, एक साल पुरानी पार्टी। फिर पंजाब में सरकार बन गई भारी बहुमत से, 177 में से 92 सीट। फिर गुजरात में इनके गढ़ के अंदर जाके 14% वोट लेके आए, 5 एमएलए बना के लेके आए हैं। और मेरे को पूरा विश्वास है गुजरात में अगली सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, देख लेना। फिर गोवा गए, गोवा में 2 एमएलए बन गए हमारे दोस्तों, जितनी। और अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा आपकी पार्टी को मिला है, पूरे देश में 3रे नंबर पे आ गए।
कहने को तो 1350 पार्टियां हैं अपने देश में, रजिस्टर्ड पार्टियां 1350। हम 1350 पार्टियों को पीछे छोड़ के आज बस बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। और जितनी तेजी से बढ़ रही है, मेरा दिल कहता है कि एक दिन कांग्रेस और बीजेपी को भी पीछे छोड़ के देश के ऊपर आम आदमी पार्टी का राज होगा। तो बहुत तेजी से आम आदमी पार्टी बढ़ रही है, तो जाहिर तौर पे आपके खिलाफ बड़े बड़े षड्यंत्र रचे जाएंगे। इन लोगों को यह लगने लग गया, मोदी जी को, बीजेपी को, अब ये साफ हो गया। 2014 में हार गए विधानसभा चुनाव, 2015 में हार गए विधानसभा चुनाव, 2020 में हार गए विधानसभा चुनाव, फिर अभी एमसीडी का चुनाव हार गए। तब इनको ये तो पक्का हो गया भाई दिल्ली में आम आदमी पार्टी से जीत नहीं सकते, ये पक्का है। दिल्ली में ये कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी से ये जीत नहीं सकते। तो अब इन्होंने एक षड्यंत्र रचाया है, शराब घोटाला। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, शराब घोटाला दिल्ली में हो रहा है, गुजरात में हो रहा है? गुजरात में कितने लोग मर गए जहरीली शराब पी के, रोज सुनने में आता है 100 लोग मर गए, 50 लोग मर गए, 150 लोग। घोटाला तो वहां हो रहा है, यहां कौन सा घोटाला हो रहा है? कह रहे शराब घोटाला हो गया, शराब घोटाला हो गया। अभी अखबारों में पढ़ रहा था हरियाणा में इतना बड़ा शराब घोटाला हो गया, दिल्ली में कौन सा शराब घोटाला हो गया? अभी जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई शराब घोटाले की, जज बार बार पूछ रहा है सीबीआई वालों से, एक तो सबूत दे दो, एक तो सबूत दे दो, कोई तो सबूत, कोई सबूत नहीं सीबीआई के पास, कोई सबूत नहीं ईडी के पास। जज बार बार कह रहा है 2 मिनट नहीं टिकेगा तुम्हारा केस, ये शराब घोटाला है। और एक फर्जी शराब घोटाला बना के उन्होंने हमारे संजय सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया, सतेंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया, अब ये मुझे गिरफ्तार करने जा रहे हैं। तो इनका मकसद ये है कि किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी के टॉप के नेतृत्व को गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी को और सरकार को तितर बितर कर दिया जाए। इस तरह से नरेंद्र मोदी जी दिल्ली के अंदर अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। उनको पता है चुनाव में नहीं हरा सकते, उनको पता है। मैं उनको कहना चाहता हूं केजरीवाल को चाहे जेल में डाल दो, जेल से भी जीत जाएगी आम आदमी पार्टी की सरकार। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को, आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? ये हमें काम में, लोग हमारे को क्यों वोट दे रहे हैं, दिल्ली के लोग हमको क्यों वोट दे रहे हैं, पंजाब के लोग हमको क्यों वोट दे रहे हैं, गुजरात के लोग हमको क्यों वोट देने लग गए? केवल काम की वजह से। हम काम करते हैं, जो काम हम करते हैं वो जनता ने आज तक 75 साल में देखा नहीं था। जो काम हमने पहली बार सरकारी स्कूलों को चमका दिया, कभी किसी ने शिक्षा की बात ही नहीं करी राजनीति के अंदर, कभी किसी ने कहा ही नहीं कि हमको वोट दे दो हम आपके स्कूल बनवा देंगे, कभी किसी ने कहा ही नहीं हमको वोट दे दो हम आपके इलाज का इंतजाम कर देंगे, स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़कें, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, इस तरह का काम कभी किसी ने नहीं देखा था। तो काम में तो ये हमको हरा नहीं सकते। एक भी राज्य नहीं है जहां पे चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो जिसने हमारे जैसा काम करके दिखाया हो। तो काम में ये हमको हरा नहीं सकते, इसलिए उन्होंने ये पूरा षड्यंत्र रचाया। आपने कभी सोचा कि इतनी तेजी से आम आदमी पार्टी क्यों बढ़ रही है? काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमारा जो वैल्यू सिस्टम है, आम आदमी पार्टी सच्चाई के रास्ते पे चलती है, ईमानदारी के रास्ते पे चलती है, देशभक्ति के रास्ते पे चलती है। आम आदमी पार्टी इंसानियत के रास्ते पे चलती है।
ये हमारा जो वैल्यू सिस्टम है इसकी वजह से हम इतने अच्छे काम कर रहे हैं और इसकी वजह से आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है। आज हमारे चार नेता जेल के अंदर हैं, मनीष सिसोदिया 9 महीने से जेल के अंदर हैं, उनकी धर्मपत्नी को बहुत सीवियर बीमारी है। एक ऐसा शख्स जिसने देश की स्कूल की शिक्षा बदल के रख दी, शिक्षा के अंदर क्रांति लेके आया, उसको इन्होंने जेल में डाल रखा है। सतेंद्र जैन 1 साल जेल के अंदर काट के आए, अभी मेडिकल बेल के ऊपर है। एक ऐसा शख्स जिसने सबका इलाज मुफ्त कर दिया, सबकी बिजली मुफ्त कर दी, वो 1 साल से जेल के अंदर है। उन लोगों ने बहुत बड़ी कुर्बानी करी है, हमारे नेताओं ने बहुत बड़ी कुर्बानी करी है। ये सब नेता, आम आदमी पार्टी के नेता, आप सब लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, उनसे हमें प्रेरणा लेनी है। कभी दिल कमजोर हो जाए, कभी मन में कमजोरी आए, अपने सामने इन सारे आम आदमी पार्टी के नेताओं को रख लेना जो आज भगत सिंह के रास्ते पे चल के जेल की सलाखों के पीछे देश के लिए लड़ रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी जी ईमानदार हैं? क्या नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं? मैं इनका एक भाषण सुन रहा था मोदी जी का, 27 जून को भोपाल में एक रैली में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एनसीपी बहुत ही भ्रष्ट पार्टी है, एनसीपी के नेता बहुत ही भ्रष्ट हैं, 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। और कुछ दिन के बाद जिन नेताओं को इन्होंने भ्रष्ट बोला वो बीजेपी में आ गए और उन्होंने उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया महाराष्ट्र का। ये नरेंद्र मोदी की ईमानदारी है। इन्होंने वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के अंदर एक नेता था शुभेंदु अधिकारी टीएमसी का, धो धो के इन्होंने गालियां दी, उसका नाम शारदा स्कैम में आया, उसका नाम शारदा चिटफंड स्कैम, नारदा स्कैम, पता नहीं किस किस स्कैम में आया। वो बीजेपी में आ गया, उसके सारे स्कैम पाप धुल गए, बीजेपी में आने के बाद सारे पाप धुल गए। असम के अंदर जो अभी मुख्यमंत्री है उसके खिलाफ बीजेपी ने पानी पी पी के उसको गालियां दी, उसको भ्रष्ट बोला और बोले इसको जेल भेजेंगे, बीजेपी में आ गया, उसको अपना मुख्यमंत्री बना दिया। ये नरेंद्र मोदी की ईमानदारी है। इनका अपना कोई भ्रष्टाचार करे उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते। कर्नाटक में इनकी सरकार थी, कहते थे 40% कमीशन वाली सरकार है कि हर काम में 40% कमीशन खाती है। एक आदमी, एक बीजेपी का नेता कर्नाटक में जेल नहीं गया इनका। गुजरात में रोज इतने करप्शन हो रहे हैं, इतने घोटाले हो रहे हैं, एक आदमी जेल नहीं जाता इनका। रोज सुनते हैं कि अडानी को इन्होंने थोक के भाव सारा देश बेच दिया, कोई एक्शन नहीं होता इनका। तो इनका क्या मकसद है? केवल और केवल सीबीआई और ईडी को इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के अपनी पार्टी के अंदर लाना। कोई ईमानदार नहीं है नरेंद्र मोदी, कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग नहीं छेड़ रहे हैं। दूसरी पार्टियों का केवल सत्ता की लड़ाई है दूसरी पार्टी के। आज अगर मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी में चले जाएं, भाई साहब 24 घंटे के अंदर बाहर आ जाएंगे वो। आज अगर संजय सिंह पार्टी छोड़ के बीजेपी में चले जाएं, 24 घंटे के बाहर आ जाएंगे। ये नरेंद्र मोदी की ईमानदारी है, ये उसके भ्रष्टाचार की। अब प्रधानमंत्री जी को यह लगने लगा कि मैं लोकसभा चुनाव हार रहा हूं, पूरे देश के अंदर बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, लोग बहुत दुखी हो चुके हैं, घर का खर्चा नहीं चल रहा। कब तक जुमलेबाजी से घर का खर्च, कब तक परिवार चलेगा? अब लोग बहुत दुखी हो चुके हैं। तो अब प्रधानमंत्री जी ने एक नया वो बनाया है कि जितने रीजनल पार्टी के नेता हैं सब नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डाल दो। जब रीजनल पार्टी का नेता जेल में जाएगा, चुनाव के पहले उनकी पार्टी के लिए कैंपेनिंग करने वाला कोई नहीं बचेगा और वहां पे बीजेपी स्वीप कर जाएगी चुनाव। तो केवल मेरा नहीं, इन्होंने मेरे को तो जेल में भेजने का प्लान कराई है कि केजरीवाल को जेल में भेज देते हैं, आम आदमी पार्टी चुनाव कैसे करेगी, केजरीवाल प्रचार कैसे करेगा। ममता बनर्जी को प्लान बना रखा है, ममता बनर्जी को जेल में भेज देते हैं, पश्चिम बंगाल में बीजेपी स्वीप कर जाएगी।
तेजस्वी यादव का प्लान बना रखा है, तेजस्वी यादव को जेल भेज देते हैं, बिहार में स्वीप कर जाएंगे। हेमंत सोरेन को जेल भेजने का प्लान बना रखा है, हेमंत सोरेन को जेल भेज देते हैं, वहां पे स्वीप कर जाएंगे। अरे मोदी जी शर्म कर लो, ऐसे चुनाव जीतोगे आप? ऐसे चुनाव जीतोगे आप? एक बारी मैं उनको चैलेंज करता हूं, एक बार इन सबको जेल भेज के देखो, बीजेपी का पत्ता साफ ना हो जाए पूरे देश के अंदर। हम लोग जेल जाने से नहीं डरते, जेल हमारे लिए भूषण है। एक क्रांतिकारी के लिए जेल भूषण होती है। हम लोगों को जेल का कोई डर नहीं है। मैं जेल एक बारी 15 दिन रह के आया था, अंदर ठीक ठाक इंतजाम होता है। आप भी कभी जेल जाओ तो चिंता मत करना। अगर भगत सिंह इतने दिन जेल रह सकते हैं, मनीष सिसोदिया 9 महीने जेल रह सकता है, सतेंद्र जैन 1 साल जेल रह सकता है, तो मेरे को जाने में क्या दिक्कत है? मैं भी चला जाऊंगा, मेरे को जेल जाने का फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे सामने प्रश्न है, और हमें सत्ता का लालच नहीं है। 49 दिन के बाद इस्तीफा दिया था, कोई अपनी चौकीदार की नौकरी से इस्तीफा नहीं देता, किसी ने मेरे से इस्तीफा मांगा नहीं था 49 दिन के बाद। मुझे लगता है दुनिया का पहला मुख्यमंत्री हूं जिसने अपनी मर्जी से 49 दिन के बाद इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा मैं अपने जूते की नोक पे लेके चलता हूं, मेरे को कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी का लालच नहीं है। लेकिन हमें यह देखना है, इनका ये जो षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र के अंदर अपने को नहीं फंसना। तो मुझे इस्तीफा देना चाहिए या मुझे जेल से सरकार चलानी चाहिए, इस बारे में मैं अलग अलग लोगों से सबसे चर्चा कर रहा हूं। इस बारे में मैंने अपने सारे विधायकों से भी चर्चा की थी, फिर सारे काउंसलर से चर्चा की, आज मैंने सारे वॉलंटियर्स के साथ चर्चा की है, और अब आप लोगों की जिम्मेदारी लगा रहा हूं मैं। दिल्ली की जनता ने हमें बहुत प्यार दिया है, हम दिल्ली की जनता की मर्जी के बिना कुछ नहीं करेंगे। जो दिल्ली की जनता कहेगी हम वही करेंगे, है कि नहीं है? तो अब आप लोगों को दिल्ली में घर घर जाना है, घर घर जाके जनता से पूछना है क्या करना चाहिए, नुक्कड़ सभा करनी है। जैसे आपको याद है जब सबसे पहले हमारी सरकार बनी थी, 28 सीट आई थी, हमें कांग्रेस से समर्थन लेना है कि नहीं लेना, हमने जनता से पूछा था, जनता ने कहा ले लो, हमने ले लिया। अभी ये भी एक वैसा ही, हम दोराहे के ऊपर खड़े हैं, पार्टी दोराहे के ऊपर खड़ी है। आप लोगों को घर घर जाना, जाएंगे सब लोग, समय देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अगले 10 से 15 दिन के अंदर हमें पूरी दिल्ली छान मारनी है, घर घर में जाना है, जनता से पूछना है कि क्या इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए। जो जनता कहेगी, जनता का हुक्म हमारे सर माथे पर। और एक बात, आज से यह सोच लेना कि लोकसभा के चुनाव का प्रचार शुरू हो गया, यही लोकसभा के चुनाव का प्रचार है। एक एक घर में जाके इनकी बीजेपी की और नरेंद्र मोदी की पोल खोलनी है आपको, एक एक घर में जाके नुक्कड़ सभाएं करनी है, उनके अंदर इनकी पोल खोलनी है। मैं जेल के अंदर रहूं या जेल के बाहर रहूं, इस बार दिल्ली की एक भी सीट लोकसभा की बीजेपी को नहीं आनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। राष्ट्रगान के लिए सारे अपने जगह पर खड़े हो जाइएगा, कोई जाइएगा मत, राष्ट्रगान के बाद ही सारे जाएंगे।